कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ग्राम स्तरीय निगरानी समिति, नगर पंचायत, नगर निगम, मेडिकल कॉलेज सहित फल मंडी और साहबगंज में जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक दो पारियों में एनएक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजन पांडेयन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य अधिकारी व सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। बैठक में जिला अधिकारी के विजन पांडेयन ने सेक्टर मजिस्ट्रेट के दायित्वों को बताते हुए कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट को पूरी छूट दी गई है कि वे कोरोना संक्रमण के बचाव में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर सके। जिलाधिकारी ने कहा कि 3 ऐसे मंत्र हैं जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि पहला तो हर व्यक्ति मास्क लगावे, दूसरा अपने हाथों को साबुन से धो लें तथा तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट तत्काल कार्रवाई करें जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेटों की अहम भूमिका है। अपने क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं, इसलिए वे अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजन पांड्यन ने कहा, किसी भी अधिकारी को अगर किसी ग्रामीण कर्मचारी से सहयोग नहीं मिल रहा हो तो कृपया अपनी बात कर सकते हैं मार्गदर्शन में। अधिकारी का यहाँ आने में साथी फैलते जाता है, उसी के हिसाब से चुनौती भी बढ़ती है। सिक्स्थ फेज में एक तरफ से 4 बार तो लागू हुआ है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, 4 बार लागू होने के बाद अभी 2 बार अनलॉक हुआ है। अभी 2 तो काम ही नहीं था, लेकिन जब जनता अंदर बंद है कोई काम नहीं था। पहले 4 फेज में ज़्यादा काम नहीं था, जैसे पहला फेज में विदेश से लोग आए थे वायरस लेके, वो लोग हम लोग मॉनिटर करके कंटेक्ट करके किया है। वो फर्स्ट वेव तो चलो गया था, दूसरा वेव यहाँ कई अफेक्टेड जनपद, अफेक्टेड राज्य से लोग आने वाले लोग थे, उन्हीं का भी कंटेक्ट किया। तीसरा फेज तबलीगी और कोई किसी ग्रुप से आई थी उसको भी कंटेक्ट किया। फिर मेडिकल इन्फेक्शन भी हुआ था साथ साथ, बहुत सारे हॉस्पिटल में हुआ है, वो भी कंटेक्ट किया। चौथा फेज बहुत भयंकर रूप से माइग्रेटरी लेबर जो बाहर से प्रवासी मजदूर बाहर काम करने वाले भारी मात्रा में आए थे गोरखपुर में, हम लोग 3.5-4 लाख लोग का यही उतरो आए थे। करीब 400-500 ट्रेन से पूरे महीने आए थे। इतफाक से लोग भारी मात्रा में है और इन्फेक्टेड जोन से भी आए थे, उन्हीं की वजह से काफ़ी स्केल में बढ़ भी गया। अब उन लोग आने के बाद 1 महीने हम लोग क्वारंटाइन में रहते थे, तब भी थोड़ा दबी थी। अब क्या कुछ लोग लापरवाही उसमें करने लगे, उसलिए तो संभाल नहीं पाएंगे, हम लोग का तनख्वाह तक नहीं मिलेगा। इसलिए तो सरकार का जरूरी है अपने आर्थिक व्यवस्था भी जारी रखना। और बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं, नौकरी छोड़ के आए हैं, उन लोग का भोजन दिलाना है, नौकरी दिलाना है, बड़ा बड़ा चुनौती है सरकार के साथ। आर्थिक गतिविधि हम रोक नहीं सकते हैं, ताकि ये पता नहीं है कब तक चलेगा। पहले हम सोच रहे थे 1 महीने 2 महीने 3 महीने कार्यकाल में हो जाएगा, बट अभी तो WHO भी अनाउंस कर दिया है ये कम से कम 21 जून तक चलेगा। यानी यदि वैक्सीनेशन का भी ट्रायल तो चल ही रहा है, मान के जाए हम कम से कम 1 साल हमें कि ऐसे ही लाइफ स्टाइल का हमें आदत बनवाना होगा और इसको बताना पड़ेगा उसकी जनता को, तो कैसे ये चीज़ करें, ताकि किसी जान को ऊपर आएगा तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है लोग का। और अभी वैक्सीनेशन तो ह्यूमन ट्रायल के तौर से चल रहा है, पर ये स्ट्रेन बदलती जा रही है, ताकि हर कंट्री में, हर देश में जो स्ट्रेन आई है वो अलग है, हर राज्य में आया हुआ स्ट्रेन है वो भी अलग है। अपने अपने हिसाब से म्यूटेट कर रहा, अब तक 15 बार अपने स्ट्रेन बदल चुकी है। इसलिए हो सकता है जो टीकाकरण सरकार ला भी है उसको लगाने में भारत जैसा देश में, बड़े देश में तो फिर साल लग जाता है, लग भी जाए वो गारंटी नहीं है दोबारा नहीं आएगा, री इन्फेक्शन भी उसको रहता है, तो इससे बड़ा मतलब भयंकर रूप से वायरस हो जा सकता है। एक ही उपाय है बचाव, कितने लोग का हम बचा सकते हैं वही बचाव, वही जीवन का रक्षा कर पाएंगे। इसलिए तो 3 मूल मंत्र है तो सरकार ने दिया है, बिना मास्क कभी नहीं जाना है, कहीं से नहीं जाना है। लेकिन मास्क इसलिए पहनने के लिए कह रहे हैं, तो मास्क में जरूरी नहीं है N95 पहनने, N95 तो डॉक्टर के लिए, ताकि N95 मतलब परसेंटेज ऑफ जो उसका वायरल पेनिट्रेशन है उसी के हिसाब से N95 N99 ऐसे क्लासीफाई करते हैं मास्क को। N95% वायरस को रोक लेता है, N99 भी आता है वो, N100 भी आता है वो, बेसिकली डॉक्टर का है कौन वायरस के सामने सीधे एक्सपोज होते हैं, ताकि ICU यूनिट में कोई मरीज पड़ा रहता है तो उनका मास्क नहीं पहना जाता है, उनको बस केवल वेंटिलेटर ऑक्सीजन का लगा जाता है, फिर वो
छींकता है थूकता है वो एसी कमरा रहता है अंदर ही घूमता रहता है, यानी एकदम वायरस का संक्रमण का बीच में उन लोगों को काम करना पड़ता है। इसलिए पीपीई को N95 के मास्क पहनना अनिवार्य है। अभी यदि तो क्राउडेड जोन में जाएंगे, यदि आपको लगता है कि क्वारंटाइन स्पेस में जा रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में जा रहे हैं, किसी मरीज के साथ बात करने चाहते हैं और मरीज का कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है जो इसका कोरोना हो सकता है, ऐसे आपको लगता है वो उनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तब आप N95 मास्क पहन लीजिए। नहीं तो मामूली तौर से कपड़ा वाला मास्क, डिस्पोजेबल मास्क ये बेहतर है। पर मास्क का ये चीज़ याद रखना होगा, एक बार मास्क पहनने के बाद घर जाने के बाद ही हटाना, ऐसे नहीं बात करते समय खींचेंगे ऊँचेंगे, ये तो बकवास है। क्योंकि हर बार बात करते समय में 200 पार्टिकल पर मिलियन वायरस यदि अपने अंदर होता तो निकलता बाहर। अब 5 आदमी से बात करेंगे ऐसे बिना मास्क का तो फिर आपको हो ही जाता है, क्योंकि 1000 पार्टिकल पर मिलियन वायरस में पॉजिटिव हो जाता है। यानी तो तुरंत तो वायरस को किसी का अटैक नहीं करेगा, हल्की फुल्की वायरस हो तो अपने आप शरीर उसको बाहर निकाल लेता है। यदि तो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तब वो वायरस का कोरोना पॉजिटिव का लक्षण दिखता है, फिर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होता है, फिर उसका हम अलग उसी हिसाब से एक्सपोजर के हिसाब से वो अलग ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के लिए तो उसको मास्क पहनने में क्या, आप यदि तो आप संक्रमित होते हैं तो फिर आप किसी को फैलाते नहीं, और कोई संक्रमित है वो लापरवाही करके बिना मास्क बात कर रहा है वो अंदर आपको घुसेगा, इसलिए तो मास्क पहनना मैंडेटरी है। यदि मास्क पहनेंगे तो फिर 90% आपको बचा देंगे, आराम से बच जाएंगे। दूसरा हाथ धोने का है, तभी हम लोग का मामूली तौर से आदत होता है, हम लोग हाथ हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं और डामिनेंट हैंड ट्रांसफर पे जो जो हाथ है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दाएँ हाथ जो भी है उसी का मामूली तौर से हर जगह छूते हैं, हर जगह टच करते हैं। ये वायरस से बाहर तो बहुत दिन पड़ा रहता है जिंदा, तो मेटल सरफेस में 4-5 दिन तक जिंदा रह सकता है, ग्लास सरफेस में 10 दिन तक जिंदा रह सकता है, हवा में 3 घंटे तक वो जिंदा रह सकता है, टेबल चेयर पेपर में 2 दिन तक जिंदा रह सकता है, उसके एक स्केल बना रखा है वो वायरस का लाइफ कितने दिन रहेगा वो मौसम के हिसाब से भी डिपेंड करता है, वायरल लोड के हिसाब से डिपेंड करता है। पर जाने अनजाने में यदि आप हाथ लगा के किसी चीज़ को ऊपर, जाने अनजाने में शरीर के किसी भी द्वार के हिसाब से आपका हाथ चला गया कान में नाक में मुंह में, फिर वो उसका अंदर आराम से घुस जाएगा। अब कितने भी मास्क पहने उसको फायदा नहीं, क्योंकि मास्क पहनना एक चीज़ है, दूसरा हाथ को तो कम से कम फेस की तरफ से हाथ कहीं जाना ही नहीं चाहिए। आदत होता है किसी का तो फिर कोई नहीं कहीं मुंह की तरफ से कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करा नहीं चाहिए। यदि मोबाइल फोन पर लेके जाते हैं तो पास में पहुँच जाता है। अब कोशिश करिए तो फिर फेस का और हाथ को दूरी बनाए रखने की, और हाथ धोने के लिए इसलिए बार बार कह रहे हैं ताकि ये वायरल है ये तो जेल टाइप का रहता है, इसको ढंग से कम तो 20 सेकेंड आप सैनिटाइजर यूज़ करेंगे तो, यदि साबुन यूज़ करते हैं तो 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट का सुबह के काम को बताएं, उसी हिसाब से पूरा हाथ धो के हर जगह कहाँ कहाँ वायरस उनके नाखून के अंदर भी रह सकता है, नाखून ढंग से काटना पड़ेगा, और कहीं भी जाते आते हैं तो उसको तो ये आदत डाल दीजिए तो उसको हाथ धोते रहना उसको, और ये इसको आदत डाल दीजिए। और 2 गज का दूरी, 2 गज का दूरी इसलिए कह रहे हैं तो जाने अनजाने में किसी इंसान का पॉजिटिव मरीज होते हैं तो केवल छींकता थूकने में नहीं है, उनका शरीर में कहीं चिपा भी रहता है वायरस, तो नजदीक में जाता है वो आपके कंधे से लड़ गया है, कहीं तो दूसरे आदमी से दूसरे आदमी लड़ गया, वो पता नहीं किस परिस्थिति में है, तो फिर वो नहाया नहीं नहाया आप जांच नहीं कर सकते हो, कैसे आदमी कहाँ है, कहाँ से आया है, कितने दिन बीमार पड़ा क्या है, उनको उनको भी नहीं पता रहता है आपका, तो फिर ये दूसरे के कंधे मिला लिया, कोई हाथ मिला लिया, कोई टकराया गया, ये पर्याप्त है आपको शरीर के कहीं ना कहीं वायरस छिपा नहीं है, चिप जाएगा तो फिर कहीं जाने अनजाने में हाथ पहुँच गया आपको ऊपर ही, तो फिर कहीं ऊपर पहुँच गया, एक साइकिल बन जाता है अंदर जाते। इसलिए 3 मूल मंत्र सरकार ने बार बार कह रही है, इसी से बहुत सारे देश अपने नागरिक को बचाया, ये 3 को हमारा कम से कम 1 साल के लिए लाइफ स्टाइल बनाना ही बनाना, कोई ऑप्शन नहीं है इसको, ये तो अनिवार्य है कंपल्सरी है इसको, एक ये लापरवाही को बहुत जगह देखे तो केवल पुलिस के देखे तो मुंह धक्का लेते हैं, फिर तो जबरदस्ती कहने के बाद फिर जाकर के हाथ धोते हैं, तो हम लोग हंसी आता है, हम लोग उनको भले के लिए कह रहे हैं तो उनको लगता है तो हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, ये चीज़ समझाना पड़ेगा। अभी मैं आता हूँ आपके काम पे, देखिए सेक्टर मजिस्ट्रेट यानी तो आप भी मजिस्ट्रेट हैं, यानी तो मेरा दायित्व आप अपने क्षेत्र में खड़ा है, आपको मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपका ऊपर निर्भर करता है, आपका क्षेत्र जो सेक्टर आपको एरिया दिया हुआ होगा आप
केवल 42 था, आज कुछ बढ़ गया है, 45 के आसपास हो गया है। इतने कंटेनमेंट जोन है, आपको पहले ये जानकारी रखना है आपके क्षेत्र में कितने कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन कहाँ कहाँ बनी हुई है। नंबर 1 कंटेनमेंट जोन इसलिए बताएं, कंटेनमेंट जोन यानी एक पॉजिटिव मरीज निकलता है 250 मीटर दूरी का हम लोग पूरा कंटेन करते हैं, उसका मकसद यही है ताकि वायरस कहीं ना कहीं तो है 250 मीटर में, उसको फैलाने से रोकने का एक ही तरीका है, उसको पूरा बंद करें। उसके बाद नगर निगम तमाम टीम जाकर के सफाई तो करेंगी, उसके बाद जो आदमी किसको पॉजिटिव निकला है वो कहीं ना कहीं फैलाने की आशंका हो सकता है, ताकि मान लीजिए आज किसी का पॉजिटिव निकला, मान लीजिए 3 तारीख का पॉजिटिव निकला है, बट वो उनका अंदर वायरस कम से कम 7 दिन पहले घुस गया, ताकि 7 दिन के बाद ही रिजल्ट में पता चलता है वो आदमी का अंदर कोरोना पॉजिटिव है। आपको पहले बताया था कोरोना तो हल्की सी आता है अंदर वायरस, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के प्रोडक्शन होकर के यदि 1000 पार्टिकल पर मिलियन होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, नहीं तो तब तक नहीं निकलता। और ये तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के केयर हो, कुछ सिम्टोमेटिक हो सकता है, कुछ लोग का सांस फूल गया है, कोई किसी का बुखार आ गया है, किसी का तुरंत रिस्पॉन्ड हो जाता है, बॉडी रिस्पॉन्ड हो जाता है, जुकाम सर्दी खांसी, बट इस कैटेगरी बहुत कम है, अभी 90% के ऊपर एसिम्प्टोमेटिक, यानी कुछ भी लक्षण नहीं पता ही नहीं चलता है, इसलिए खुद भी यकीन नहीं होता सर हमारा कुछ भी नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, हम तो कोरोना नहीं कुछ भी नहीं, वो ऐसे लड़ने लगेंगे। ऐसे व्यक्ति है वो आया है, 7 दिन पहले वो कहीं घुमा होगा, कहीं रहा होगा, वो कहीं तो रिश्तेदार का गया होगा, कहीं पड़ोसी के खाना खाया होगा, किसी गप मारा होगा, किसी का आना जाना, ये सारे चीज गतिविधि उसी क्षेत्र में हुआ होगा, इसलिए कंटेनमेंट जोन मैनेजमेंट है आपका टॉप प्रायोरिटी होता है। अब किसी भी सूरत में वहाँ मूवमेंट किसी को होने नहीं देना है, वहाँ दुकान बंद रहेगा, सब्जी उब्जी सारे चीज बंद रहेगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगी 14 दिन के लिए। अभी माने पहले 21 दिन का था, अभी घंटे 14 दिन थे। कंटेनमेंट जोन का अंदर किसी का मूवमेंट वर्जित है। कौन कौन जा सकते हैं? मजिस्ट्रेट साहिबान जा सकते हैं ताकि उनका पूछताछ निवारण करने के लिए, सफाई लगाओ जा सकते हैं, उसके बाद मेडिकल की टीम जाती है। अब मेडिकल टीम का क्या इंपॉर्टेंट भूमिका है, वहाँ घर घर जा करके इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम, जो किसी घर पे इन्फ्लुएंजा जैसे किसी का बीमारी बुखार होता है तो उसी का सैंपल लेकर के चेक करने के लिए घर घर जाना होता है। ये चीज को मॉनिटर करना भी आपका जिम्मेदारी है। आप कंटेनमेंट जोन पहले पहचान लीजिए, फिर कौन कोरोना पॉजिटिव निकला है, जो भी है नामचिन चामचिन जो भी निकला है, उनका पूरा कुंडली आपका हाथ में होना चाहिए था। वहाँ अक्सर आपके साथ एक टीम रहेगी, यानी राजस्व टीम रहते हैं, पुलिस का कर्मचारी रहते हैं, और भी लोग रहते हैं, पूरा डिटेल बता देते हैं। आप भी स्वयं जाकर के डिटेल नोट करा दीजिए, भाई ये तो कौन व्यक्ति है, इनका क्या लाइफ स्टाइल था, यानी मान लीजिए परचून का दुकान उनका चलता है, ये माल कहाँ से लेके आता है, कितने लोग उनके घर पे है, कौन कौन संपर्क में आया है, ये कहाँ से आया है, मुंबई से आया है, यहाँ रहता था, अक्सर इनका आदत क्या है, मान लीजिए सारे थोड़े डिटेल में जाना पड़ेगा। मेडिकल टीम तो आपके साथ, पुलिस डिपार्टमेंट तो सर्विलेंस में लगी हुई है, किसी दिन पासवर्ड निकल जाता तुरंत पुलिस अपने काम शुरू कर देता है, ये आदमी कहाँ कहाँ घुमा है, कैसे आया है, एक तो मोटा मोटा जानकारी मिल जाता है ये आदमी बाहर से आया है, अंदर से आया है, और ये कहाँ मोबाइल टावर के जरिए से हम उसको कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ उनको मूवमेंट रहा है सर्विलेंस के हिसाब से। दूसरा काम जो करते हैं मेडिकल टीम, वो जाकर के अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से बताते हैं, यार दारू पीता है कि नहीं, कहाँ जाकर के खाना खाता है, कहीं जो इनका क्या पान खाने का आदत है, कहीं छूटता है, ये सारे चीज़ जो भी पहले तो ये चीज़ कहने के लिए छोटा होता है, बट बहुत वहाँ उसी के ध्यान देना है, ताकि कोई आदमी बाहर निकल गया मान लीजिए कपड़ा नहीं प्रयोग करते कपड़ा बाहर के, आपको फोकस SDM साहब और आपका दोनों लोग का ये मल्टीपल टीम काम करके उसको कोऑर्डिनेट करके वहाँ इफेक्टिवली काम करवा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट मान लीजिए किसी पास को आदमी आ गया, उनका संपर्क जो भी आए सबको हमें टेस्ट करवा, उसके लिए जो उनको लापरवाही से छोड़ेंगे हम, फिर वहाँ से फिर दूसरे इलाकों में फैलने लगेंगे, और हम तो रोक नहीं पाएंगे। एक कंटेनमेंट जोन 2 में बदलाव होगा, फिर 2 तो हजारों में बदलाव होगा, तो फिर बढ़ते जाएगा उसको पूरे शहर तक कंटेनमेंट जोन में आ जाएगा। ये कंटेनमेंट जोन मैनेजमेंट हम लोग को टॉप प्रायोरिटी है। दूसरा नंबर में आता है निगरानी समिति, हम लोग बनाए थे, आपको सूची भी होगा, पहले एम साहब ने पूरा डिटेल में बता भी दिया। निगरानी समिति केवल कागज में नहीं रहनी है, मौके पे उन लोग एक्टिवेट कराना है। अक्सर क्या निगरानी समिति गांव में तो वहाँ का ग्राम प्रधान है, फिर ग्राम स्तर के कर्मचारी अधिकारी सभी लोग रहते हैं उसमें, और उसमें जो आपका रोजगार सेवक है, जो सेक्रेटरी है, लेखपाल सभी लोग रहते हैं। यहाँ शहरी इलाके में जो वार्ड वाइज बता हुआ है, वहाँ वार्ड का खासतौर पर पार्षद रहते हैं, फिर वहाँ वार्ड का स्तर का जो भी कर्मचारी रहते हैं, जो काम करने वाले वो होते हैं उसमें, अक्सर ये पार्षद का जानकारी रहता है। ये मेनली ये जो निगरानी समिति का महत्व इसलिए ज़्यादा है,
अभी भी देखिए मूवमेंट बहुत ज्यादा है, रोजाना कल को 1500 पैसेंजर बाई फ्लाइट आए थे गोरखपुर, अभी 7-8 फ्लाइट चल रही है, अब तो 2 फ्लाइट दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, फिर कोलकाता के लिए। टेम्परेचर ज्यादा लोगों का तो फिर गड़बड़ नहीं आता है। पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में समझाए, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पता चल जाता है, इसका ऑक्सीजन की कमी है 93 के नीचे, यदि 95 के नीचे भी गिरता है वो अलर्ट हो जाता है। यूजुअली 95 तो 100 के बीच में रहना चाहिए था, जो मामूली हेल्दी जो आदमी है, अब 95 के नीचे कभी भी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है उसी से पता चल जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर हम तो सारे मेडिकल यूनिट में दे रखता हूँ, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ आप भी शरीर को घर पर रख लीजिए और आप दादा के आस पास क्या रहता है, वो सिंपल सी डिवाइस है, वो एक मिनट लगा देंगे तो पता चल जाता है कितने आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है। बट उसका जो लगाने के पहले आपको उंगली के रंग से वो सैचुरेशन को उसके सैनिटाइजर यूज करके साफ करने के बाद लगा दीजिए। मशीन के ऊपर तो फ्लूइड मत लगाइए, मशीन खराब हो जाता है, वो सेंसर लगा हुआ होता है, मशीन को सैनिटाइज मत करिए, आपका उंगली का सैनिटाइज कराते हुए लगा दीजिए, उसको मशीन आराम से चल जाएगा उसको, और उसी से पता चल जाता है कि किसका मान लीजिए तो सांस लेने में प्रॉब्लम है, वो थोड़ा लेटर स्टेज में पता चलता है, ताकि ये कैंसर जैसे इसको भी इसी बीमारी का भी स्टेज होता है। अब पहले किसी के एक्सपोज होता है तो मान लीजिए हेल्दी आदमी है, अपने आप थोड़ा ठीक हो जाता है, थोड़ा हल्की सी बुखार विकार रहता है उसके बाद ठीक हो जाता है, किसी के इम्यूनो सिस्टम थोड़ा कम है, कमजोर है, उनको तो फिर हल्की सी पैरासिटामॉल इत्यादि और तो इम्यूनो बूस्टर डालना पड़ेगा, विटामिन देना पड़ेगा, वो उसके बाद ठीक हो जाता है। कुछ लोग मान लीजिए पहले से पीड़ित है किसी न किसी बीमारी से, वो थोड़ा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, खासतौर पर किसके किडनी का डायलिसिस चल रहा है, किसी का लिवर सिरोसिस है, किसी का डायबिटीज है, किसी का हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, जो भी है पहले से कोई बीमारी चला आ रहा है, फिर उसी की वजह अपने बॉडी को वैसे कमजोर रहता है, उन लोगों को खतरा बनेगा। और निगरानी समिति का दूसरा पॉइंट फोकस किया, निगरानी समिति के साथ आपका ताल्लुक कैसे है उसी का ऊपर रहता है सफलता। निगरानी समिति बनाने के लिए आदमी होते हैं आयोग, तुरंत आप हमें बता दीजिए, एडीएम को बता दीजिए, वो लोकल पुलिस टीम को बता दीजिए, वो पूरा के लिए चलते, ऐसे लोग तो देखिए आपने लापरवाही से वो मरेगा तो ठीक है, पर किसी को लेके जाके मरने के लिए अधिकार किसी को नहीं, वो तो उसी टाइम का लोग आपको टोकना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट है मजिस्ट्रेट जैसे डिपेंड करिए, आप मेरा पावर का इस्तेमाल करो, किसी से कुछ कहीं भीड़ भाड़ है तो वहाँ बता दीजिए, जरूर हेलन करा दीजिए, हट तक तो आगे मत बढ़ाइए, ताकि आपका आपके क्षेत्र में ढाई को इसलिए दिया है, आप मजिस्ट्रेट है आपके क्षेत्र में, भावना से काम करना होगा, ताकि गोरखपुर बड़े जनपद 7 लाख जनसंख्या है, हमारा पास फोर्स भी ज्यादा नहीं, 3000 पुलिस है कर्मचारी हमारा, उसी से 7 लाख लोगों को मैनेज करना है, इसलिए हमेशा पुलिस की तरफ से अपेक्षा मत करिए, वो तो आएंगे, आप बुलाएंगे मजिस्ट्रेट आगे करेंगे तो आएंगे जरूर, बट ये दायित्व हम लोगों को लेना है, ऐसा आपके क्षेत्र में ऐसे मजिस्ट्रेट हमें दायित्व को निभाना है। और तीसरा इम्पोर्टेंट काम है आपका ताल्लुक रखना है खासतौर पर यहाँ का कंट्रोल रूम और यहाँ का सिस्टम के साथ, ताकि आपका जो आप फीडबैक जो देते हो उसी के हिसाब से हम लोग आगे रणनीति बनाते हैं, और खासतौर पर आपका वहाँ आपको लगता है कुछ चीज़ का जरूरत है सर, वो बैरिकेडिंग नहीं हुआ है, वो यहाँ करना है, जो भी है फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपके एसडीएम रहेंगे, ताकि एसडीएम फील्ड में रहते हैं, यदि इनकेस एसडीएम किसी वजह बिजी है तो फिर एडीएम साहब से आप लोग से भी बता दीजिए, हेजिटेट मत करिए, मेरा नंबर तो होगा आपके पास, तुरंत आप कॉल कर लीजिए, मैसेज डाल दीजिए, कोई भी करिए, ताकि ये मेडिकल अर्जेंसी है, ये इस पर अभी फैलने देंगे तो फैलते जाएगा हम भी एक दिन चपेट में आ जाएंगे, फिर हम लोगों को बचाने के लिए कोई नहीं आ पाएगा, तो बचाना बचने की जिम्मेदारी तो हम लोगों का है, वो हम कर भी लेंगे, अभी तो फिलहाल नियंत्रण में है ये बीमारी, ये चुनौती काम तो है। और इम्पोर्टेंट और एक बात है, आपका दफ्तर का हेल्प डेस्क और ये जो नोडल ऑफिसर नियुक्ति करने के बारे में हमने चिट्ठी लिखा है, शायद आपका विभाग जो भी है आपको वहाँ शायद एक रिपोर्ट हमें आना चाहिए था, आपका हेल्प डेस्क बना हुआ है, हेल्प डेस्क का यही है कि देखिए आपके दफ्तर में भी फोर्थ क्लास कर्मचारी भी होते हैं, अनपढ़ कर्मचारी भी होते हैं, तो फिर ऊपर एचओडी लेवल का ऑफिसर भी रहते हैं, सबका इक्वल लेवल नॉलेज और एक जैसे नहीं होता, ये समझाने की जिम्मेदारी आपको है। मान लीजिए किसी के मन में संकोच है, मान लीजिए साहब पंचन काटने में क्या कोरोना फैलेगा कि नहीं, किसी देखता तो जवाब का कौन जवाब देगा, इसलिए हेल्प डेस्क बना हुआ, हेल्प डेस्क का मेन मकसद यही है, वहाँ सैनिटाइजर इत्यादि सारे चीज के अलावा जानकारी भी रखना होगा, और पहले भी जो भी जानकार व्यक्ति होंगे वो आप नोडल ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे तो हम सीएमओ के जरिए से अलग आपको ट्रेनिंग भी दे देते हैं कि इसको कैसे करना है, और वहाँ एक कोरोना कंट्रोल ऑफिसर एक नोडल ऑफिसर रूप से हर दफ्तर में नियुक्ति करने के लिए हमने आदेश दिया है, उनका मेन मकसद यही होता है, और दफ्तर में कहाँ कहाँ
फैलाने की आशंका होता है ताकि देखिए पब्लिक ऑफिस तो खुल गया है, पब्लिक रोजाना आना जाना शुरू हो गया है, बहुत लोग आपके दफ्तर में आते हैं जाते हैं, आपको नहीं पता है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है कैसे आए हैं, उसी के प्रोटोकॉल जारी करना, जो आने वाले आदमी बाहर ही सैनिटाइज कर ले, हाथ धो ले, फिर आ जाए, मास्क पहने हुए आ जाए, आने के बाद 2 गज का दूरी से आपसे बात करें, जो काम धाम करना है तो फिर करें, फिर अपने आप चले जाए, कहीं अनावश्यक भीड़ मत लगाना। और वहाँ जो आपका रोशनदार और हवादार दफ्तर का व्यवस्था कर लीजिए ताकि जो बंद कमरा में फैलने का आशंका ज़्यादा रहता है, और एसी यानी जो मॉइस्ट क्लाइमेट में उसका रहने के लिए ज़्यादा संभावना हो जाता है, इसलिए जो भी कहीं बैठते हैं उसका मेज कुर्सी इत्यादि ढंग से सफाई हो जाए, बढ़िया से पोछा लगाना होगा, तो रोजाना ये छोटी छोटी प्रोटोकॉल होता है, एक ऑफिसर आपका हेल्प डेस्क हो जाए और एक कोरोना कंट्रोल ऑफिसर हो जाए नोडल, दोनों का ट्रेन करा लेते हैं, किसी कोई सामान्य की कमी पड़ता है तो उसको भी हम आपूर्ति कर लेते हैं। उनके दस्तक से मजिस्ट्रेट करते ही मिल गए, इसलिए भयभीत मत होइए और बिल्कुल निष्पक्ष जीवन बचाने के लिए जो आवश्यकताएं सर ने बताई हैं वो पूरी करिए। सबसे पहले फोटो खींच लीजिए अपने फोन में कि भीड़ किस तरह से जुटी थी दुकान में ग्राहकों की, उसमें आप एक फर्द काम कहलाता है, एक स्थल नोट कहलाता है कि मैंने निरीक्षण किया, यहाँ पर देखा दुकानदार या उसके ग्राहक मास्क नहीं लगाए थे और सोशल डिस्टेंस को समाप्त कर दिया था, तो ऐसे में जनहित में कोरोना वायरस को, जनहित शब्द का उपयोग जरूर करिएगा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और सभी की जीवन की रक्षा के लिए, ये दुकान की सामग्री जैसे रखी थी दुकान में दुकानदार की उपस्थिति में वैसे ही सील कर दी है। और एडीएम श्री साहब, ग्रहणेश्वर साहब, एडीएम अपार साहब मौजूद हैं, मैं आप सबको ये बताई दूंगा कि आप आज 5 जुलाई पे यहाँ पर हम बैठे हुए थे, 2-3 जुलाई हो गया है और गोरखपुर में टॉप वन में है ना, वार्ड नंबर 1 कोरोना को लेकर के हम काफ़ी हद तक के कंट्रोल में है कि गोरखपुर के नाम पर अगर ऐसे नहीं निकलता है कि जैसे आगरा और नोएडा और कानपुर इस तरह निकलता है, क्यों? क्योंकि आप ही लोग वो हैं जिन्होंने सबसे पहला धक्का सहा, कौन सा, जब दिल्ली से हजारों की संख्या में प्रवासी हमारे आए, उसके बाद कोटा के लोग आए, भयंकर बसें आई, फिर उसके बाद मजदूर प्रवासी आए, 28 अप्रैल को आए, अभी आपने मई भी निकाल दिया, जून भी निकाल दिया और आप कोरोना का लेवल अभी हमें काफ़ी दबा हुआ है, आपका योगदान बहुत है, पुलिस और प्रशासन दोनों लोगों का योगदान बहुत है, नहीं कि आपके अंदर कमी है इसलिए आपको ब्रीफिंग करने की जरूरत है। मुझे लगता है आज 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, 3 महीने आपने निकाले हैं, हमने नहीं निकाले, हमारी ताकत आप लोग हैं, आपने निकाले हैं और कोरोना को नहीं बढ़ने दिया, ये तय बात है। आज अगर हमारे पास एक्टिव केस मात्र 103-105 हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि पूरा अनलॉकडाउन 1 महीने खुला रहा, लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं आप खुद समझदार हैं, लोग बिल्कुल बेतरतीब चल रहे हैं और अभी भी जो संक्रमण है वो बाहर से ही आ रहा है बार बार, और आपने ट्रेनें कम से कम यहाँ जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पर रिसीव करी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिल्कुल फर्स्ट लाइन में आगे था, आप लोग सबसे आगे खड़े थे, इस बार तो पुलिस से भी आगे आप खड़े थे, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका आपके हौसले को सलाम करता हूँ, पुलिस वाले की तो मजबूरी है वो खड़ा होता ही होता है, लेकिन जो आपने इस बार हौसला दिखाया है, एक बार नहीं आपने 4-4, 5-5 अटैक फेस किए हैं गोरखपुर पे, तो उसको लेकर के आपको बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है, एडीएम सिटी साहब ने आपको बताया ही होगा कि इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम और डीएम साहब आप देखिए अस्पताल भी जाते हैं, सब्जी ले जाते हैं, हॉट स्पॉट भी जाते हैं, जब हम पहला हॉट स्पॉट गए थे तो हमें अच्छी तरह याद है कि वहाँ पर बड़ा डर था, तो लड़के हमारे उस झोपड़ी में नहीं जा रहे थे, हम और डीएम साहब बिल्कुल उसी पॉइंट 0 पॉइंट पर खड़े हो गए जाते थे, फिर जा करके लोगों में हौसला आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम अगर सिक्योरिटी गैजेट्स पहने हुए हैं, सब कुछ पहने हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम और डीएम साहब रेलवे अस्पताल भी जाते हैं कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव से ऐसे खड़े होकर भी बात करके आए हैं, तो जो सावधानियां आईसीएमआर बता रहा है 2 गज की दूरी, मास्क है, सिंपल सी 2 बातें बताई आज की डेट में, क्योंकि अब ये मान के चलना है कि हर दूसरे पर्सन को कोरोना हो सकता है,
क्योंकि बाजार टूट गई, सड़कें टूट गई, लोग टूट गए हैं, तो टेक्निकली और क्लिनिकली जो है वो सब बातें आपको पता है। पुलिस के नजरिए से आपको रूल जरूर पता होना चाहिए। हमने बुकलेट साफ करके जो चालान बुक्स करी हैं, वो चालान बुक्स में जो 100 रुपये का चालान है, 500 रुपये का चालान है, ज़्यादा बढ़ता जाता है, उसको स्टडी कर लीजिए। और पुलिस के साथ लगातार औचक छापेमारी, औचक नियंत्रण, बदतमीजी ना हो, बेहूदगी ना हो, किसी के साथ हम उलझ ना जाए। हमारा मकसद जनता को सिखाना होना चाहिए, हमारा मकसद जनता को सजा देना नहीं होना चाहिए। अब आपका माँ बाप से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, वर्ल्ड वार में भी जो इतने लोग मृत्यु नील में होंगे, अभी से ही तो पूरा दुनिया में इतने लोगों का वो ये बीमारी काबू पर आ चुका है, और 1 करोड़ को ऊपर लोग पूरे दुनिया में संक्रमित हो गए हैं और 2 लाख को ऊपर लोग मर गए हैं, और भारत उसी लाइन पे चल ही रहा है। लेकिन भारत में क्या है, हम लोग पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव भी क्या है, हम लोग पहले से ही थोड़ा प्रोएक्टिव होकर के मार्च से ही लॉकडाउन करा लिया, उसी की वजह दूसरा रफ्तार का हम लोग काबू कर पाए। ये आदमी का रफ्तार के हिसाब से वायरस भी चलता है, ये वायरस का रफ्तार हम लोग के रफ्तार से सीधी संबंध होता है। और बट उस पर अभी लॉकडाउन काफ़ी समय तक हम रख भी नहीं पाएंगे, ताकि आर्थिक व्यवस्था का जारी रखना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक समस्या से अनेक समस्या उठ जाएगा। इसी चक्कर में बहुत लोग बेरोजगार हुए, बहुत सारे मशीनरी को गड़बड़ा गया है, इसलिए तो फिर आर्थिक गतिविधि जारी करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए तो सरकार ने प्रारंभ किए हैं, 4 बार लॉकडाउन किए, उसके बाद दूसरे अनलॉक हुआ है, दूसरे अनलॉक फेज में है हम लोग। यानी फेज वाइज में सरकार ने सोच समझ के प्रयास कर रही है, ताकि ज़्यादा लोग का नुकसान ना हो, मानहानि ना हो। साइमल्टेनियसली रिसर्च भी चल रही है उसका, अभी हम लोग हाथ में दवाई पहले से बेहतर दवाई मिला है, उसी से पहले से अच्छा रिकवरी रेट है हम लोग का, 97% रिकवर होकर आराम से चले जाते हैं, केवल 2-3% लोग पूरा सीरियस हो जाते हैं। खासतौर पर जो कोमॉर्बिड लोग हैं, किसी के पहले से ही बीमारी है, बुखार है, उन्हीं लोग थोड़ा सफ़र करते हैं, कुछ प्रॉब्लम में रहते हैं, फिर उन लोग का भी बचाने के लिए कोशिश हो रहा है। हाँ देखिए, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट का आज ब्रीफिंग था, वैसे आप देख ही रहे हैं 4 महीने से इन लोग काम कर रहे हैं, समय समय पे वैसे परिस्थिति चेंज होता है, उसी हिसाब से ब्रीफिंग कराना होता है। अभी कंटेनमेंट जोन के कैसे मैनेज करना है, फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर का जो कैसे अव्यवस्था हो रहा है उसके कैसे व्यवस्थित कराना, उसी के बारे में ब्रीफिंग किए कप्तान साहब और हम सभी लोग टीम के साथ। अब ब्रीफिंग किए, अभी तो हॉटस्पॉट देखने के लिए भी जा रहे हैं। सर क्या मुख्य निर्देश? मेन निर्देश यही है जो आप देखिए, कंटेनमेंट जोन में किसी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए था, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा करके पॉजिटिव पेशेंट को पहचानना, और सोशल डिस्टेंसिंग, और जो कहाँ अव्यवस्था हो रहा उसी के ऊपर कार्रवाई करना, ये 3 मुद्दे से बात की।